अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, हम गए थे जद्दा टू सी के नेशनल डे कैसे सेलिब्रेट किया है अरब्स ने यहाँ पे। तो हम गए थे तकरीबन असर के बाद। तो यहाँ पे रोड्स पे आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड रोड्स ही थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था और वहाँ पे सेलिब्रेशन भी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं देख सके, क्योंकि जिस रूट पे हम गए थे वहाँ पे हमें कहीं पे भी सेलिब्रेशन नहीं नज़र आई। हाँ, बस मॉल्स में बच्चे थे और जो शॉपिंग सेंटर्स थे वहाँ पे कुछ नेशनल डे का स्टफ़ था, लाइक डेकोरेशन थी और बहुत सारे कपड़े ड्रेसेस और ऐसी चीज़ें थी। तो यहाँ पे सनसेट का व्यू है तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। तो एज़ यूजुअल हम फ्लेमिंगो पार्क ही आए थे, वी न्यू कि यहाँ पे थोड़ा सा कम क्राउड होगा। आपको पता है कि जब छोटे बच्चे साथ हों तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे एक तो जाना अच्छा नहीं लगता, दूसरा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे मौसम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। स्टिल जो टेम्परेचर है वो 38, 42, 44 में है, बल्कि जिस दिन का ये व्लॉग है मैं आपसे शेयर करी, वॉइस ओवर करी हूँ, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक 43 to 44 टेम्परेचर है। तो ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शॉप्स पे जो ड्रेसेस थे वो नेशनल डे से रिलेटेड थे, और नेशनल डे ही था ये, 23 सितंबर की वीडियो है। और यहाँ पे स्टिल यहाँ पे ड्रेसेस थे, मे भी कुछ बच्चों को शौक होगा राइट अवे लेके पहनने का, वैसे तो ये सब चीज़ें पहले ही लोग ले लेते हैं। मेरे बच्चों ने ऐसा जैसा कुछ नहीं लिया था और उन्हें अभी तक नेशनल डे और इन चीज़ों का पता भी नहीं है, बट ये है कि उनके पास जिस बैंड से तो उन्होंने वो पहन लिए थे, बस इतना ही, उससे ज़्यादा उन्हें भी कुछ पता नहीं है। वाइट शर्ट्स पहना दी थी मैंने उनको कि इससे मैच कर जाएंगी, तो बहुत प्यारे प्यारे से बलून से, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। तो उन्हें एक्सप्लेन किया था कि ये जो है वो नेशनल डे की खुशी में वाइट एंड जो ग्रीन लगे हुए हैं बलून्स, और कुछ ऑफर्स भी थी, लाइक जो बच्चों के लिए हम राइड्स बुक करते हैं या राइड्स के लिए कार्ड चार्ज करते हैं उस पर थी कि 92 ईयर सऊदीया को वजूद में आई हुई है, 92nd जोन सा था इसका नेशनल डे था, तो 92 रियाल्स का जो था वो 3 गुना ज़्यादा आपको रिचार्ज मिला था, लाइक 92 के 276 समथिंग ऐसा मिला था। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हालांकि कार्ड ख़त्म भी नहीं हुआ था क्योंकि वो जल्दी थक गए थे। यहाँ पर मैं आ गई थी क्रिस्पी क्रीम डोनट्स, ये मेरी बहुत ही स्पेशल सी और फेवरेट सी प्लेस है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर भी देख रही थी कि इन्होंने नेशनल डे से रिलेटेड डोनट्स बनाए थे ग्रीन कलर के, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो बच्चे भी देख रहे थे और पूछ रहे थे कि यहाँ पे अगर ग्रीन है तो स्ट्रॉबेरी डोनट्स क्यों नहीं है। खैर, यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग क्यू था तो बच्चे बोर हो रहे थे। आपको पता होगा कि बच्चे अक्सर जौन सा ऐसी जगहों पे जाके वेट नहीं करते, उन्हें राइट अवे चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब थोड़ा सा क्राउड हटता है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पर भी नेशनल डे की काफ़ी सारी ड्रेसेस थी, टी शर्ट्स थी, कुछ फ्रॉक्स थे, और यहाँ जो है ये मिकियाजी इधर भी ऑफर्स लगी थी, बट ये है कि मुझे लेना नहीं था। मोस्टली है कि आप 92 की या तो आपको कोई चीज़ मिल रही थी या 92 रियाज़ का डिस्काउंट मिल रहा था, और मार्केट्स में भी लिखा है पर पांडा कारफोर में भी काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स थी। तो हमने साथ में थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी कर ली थी, 38% सेल्स ऐसे लगी हुई थी। और यहाँ पे कोई कंसर्ट या ऐसा कुछ हो रहा था बट हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्योंकि स्पेस जोन सी थी ऐसी थी, लाइक मार्केट का कारफोर का एंट्रेंस था और वहाँ पे कुछ था, समझ में नहीं आया। तो हम सेकेंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर फिलहाल इतना रश नहीं आप देखेंगे, पता नहीं ऐसा क्यों था, मे बी दूसरे मॉल्स में ज़्यादा रश हुआ होगा। एक दफ़ा हम गए थे अरब मॉल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, तो यहाँ पे कुछ खास रश नहीं था, पर फिर भी अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे तो थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि आपने क्या लेना है और क्या करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी शॉप के बाहर या अंदर बलून्स लगे हुए थे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भर भर के नहीं की हुई थी बट जितनी भी थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर अबायास पर भी ऑफर थी, लाइक कुछ अबायास 92 रियाल के भी मिल रहे थे जो रिलेट कर रहे थे नेशनल डे को। फिर हम आ गए थे हाइपर पांडा ग्रॉसरी करने के लिए, ग्रॉसरी के बाद हम गए थे जी अलबेक पे, क्योंकि मोस्टली जब हम बाहर जाते हैं तो हम सब यहीं से खाना ले लेते हैं क्योंकि इजी रहता है, एक तो भरपूर मील होता है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। चावल वगैरह ये चीज़ें हम घर में बनाना प्रेफर करते हैं, बाहर में हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम बाहर से कुछ और लेके खाएं, मोस्टली हम अलबेक लेते हैं, KFC या फिर हम शावरमा ले लेते हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा बाकी हमारे घर में कोई भी बाहर से कुछ खाना पसंद नहीं करता, पिज़्ज़ाज़ भी घर के ही प्रेफर किए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं इसलिए।
तो बहुत अरसे से मैंने ग्रॉसरी शेयर नहीं की थी, तो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी जो होते हैं बड़े बड़े आइटम्स वो मैंने अपने भाई से रूम में रखवा रही थी, एक सेपरेट रूम है वहाँ पर रख दी थी। बाकी जो बेसिक चीज़ें थी मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। ब्रेड है और एग्स थे जो हर घर की बेसिक नीड होते हैं। इसके बाद ये सारिया की चिकन है, ये जो बोनलेस होती है वो है, और इसके क्यूब्स कटे हुए थे। ये बहुत ही ईजी रहती है, लाइक आपको कुछ भी बनाना हो तो थोड़े से क्यूब्स निकाल के आप कर सकते हैं। जैसे जो बड़े बड़े ब्रेस्ट पीसेज होते हैं, अगर आपको कम क्वान्टिटी में चाहिए होती है तो फिर सबको डिफ्रॉस्ट करना, और फिर इससे होता है कि आपकी चिकन एक बार पूरी भीगती है फिर डिफ्रॉस्ट होती है, फिर आप उसको फिर से फ्रीज करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, उसकी फ्रेशनेस जो होती है वो सारी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। यहाँ पे मैं सागो सीड्स लाई थी मेरी बेबी 5 मंथ्स की, तो मैंने कहा कि 6 मंथ्स से उसे सॉलिड स्टार्ट करवाने, तो मैं देखूँगी अगर सागू की खीर बना लूँ। एप्पल्स से हमारे घर में एप्पल्स मस्ट होने चाहिए, बच्चों के फेवरेट हैं, साथ में बनानाज भी मस्ट होते हैं। कैरेट्स हैं, ये हैं जी अनार, यमनी अनार बहुत ही मीठे होते हैं और अच्छी प्राइस में थे तो हमने ले लिए। कैरेट्स हैं, कभी कभी सैलड में यूज़ हो जाती है, मोस्टली गाजर का हलवा बनता है, बट मैं स्वीट डिशेस को ज़रा अवॉइड कर रही हूँ। किशमिश है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये 250 ग्राम्स से थोड़ी सी ज़्यादा थी आई गेस, तो ये हमें ट्रेंडरियल की मिली थी। पिज़्ज़ा चीज़, मोजरेला चीज़ हमारे घर में हमेशा ही मौजूद होती है, बच्चे कभी भी पिज़्ज़ा की फरमाइश करते हैं और उन्हें बाहर का मार्गरीटा भी पसंद नहीं है। साथ में उनका स्ट्रॉबेरी दही है, स्ट्रॉबेरी मिल्क एंड स्ट्रॉबेरी योगर्ट हमारे घर में हमेशा ही मौजूद रहता है। अलमराई मिल्क है जिसे चाय वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और ये थी बेसिक चीज़ें। चावल वगैरह मैंने साइड पे कर दिए थे, और डिटर्जेंट होता है शुगर, कुकिंग ऑयल भी था, और जो लिक्विड मिल्क होता है टेट्रा पैक वाला वो भी था, तो मैंने सब रूम में रखवा लिया था। किचन में इतनी स्पेस नहीं होती है और मेरा काउंटर टॉप जो सब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से हैं तो उनमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि सैटरडे का व्लॉग है, तो यहाँ पे मैं अनारियों आलू के पराठे, बच्चे भी सो रहे थे, मैं ऑफिस से जब घर गई ब्रेक पे, ब्रेक आवर होते हैं मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे होते हैं, समटाइम्स ज़्यादा भी हो जाता है अगर मैं टाइम पर घर चली जाऊँ, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से आलू में मसाले ऐड कर लिए थे, बेसिक से थोड़ी सी रेड चिली थी, सॉल्ट था, और साथ में ज़ीरा और धनिया पाउडर हाफ हाफ टी स्पून डाल लिया था मैंने, और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और इसको मैं स्टीम पे रख दूँगी। ऐसे ही होता है कि आलू जल्दी डन हो जाते हैं और सारे मसाले भी सारे इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर आपको अलग से मसाला वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों के लिए वेजिटेबल्स ऐड नहीं करती, लाइक ग्रीन चिलीज एंड धनिया, वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको पता है बच्चों की आदत होती है, निकालते रहते हैं चीज़ें खाने से। यहाँ पे मैं आटा बनाने लगी थी, आटा गूंदने लगी थी, मेरे पास मशीन भी है जिसमें आटा गूंद सकते हैं आप, लाइक जो मेरा प्रोसेसर है फूड, बट मुझे लगता है कि हाथ से गूंदना इज़ मच बेटर। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो पोटैटोज हैं वो सेपरेट कर लिए थे, इसमें ऐड कर लिया था मैंने ऑनियन, थोड़ा सा हरा धनिया था, और थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर ली थी, अच्छी रहती है। तो बच्चों के लिए जो है वो प्लेन पोटैटोज आप देख सकते हैं। चाय मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी, वो चाय में बेसिकली मैं थोड़ी सी सौंफ और इलायची दोनों मिक्स करके डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे छोटे बेटे को मेरे सादा पराठा खाना था, तो उसके लिए मैंने जो बल वाला पराठा होता है ना, बलदार, वो बना लिया था ताकि उसके लिए सिंपल सा पराठा बन जाए। बटर या देसी घी के पराठे बनते हैं, ये बाकी के पराठे बन चुके थे, मैंने सर्व भी कर लिए थे, ये मेरा लास्ट पराठा था। अपने लिए तो हमेशा लेडीज़ या मदर्स जो भी होती हैं हैंड में ही बनाती हैं, तो खैर मेरे हस्बैंड साथ में ही खाते हैं, बट ये कि लास्ट वाला पराठा हो या डोसा हो जो भी हो मेरा ही होता है। तो दोनों साइडों से थोड़ा सा सेकने के बाद मैंने इसमें ऐड इसके ऊपर लगा लिया था देसी घी थोड़ा थोड़ा सा, आप जितना भी कम ट्राई करें फिर भी तकरीबन 1 टीस्पून जो होती है ना वो तो लग ही जाता है। तो ये अलमराई का देसी घी है, जो घर में देसी घी बनता है वो मेरे पास नहीं है, बटर तो होता है बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं घर पर ही देसी घी बना लूँ, और आई थिंक पाकिस्तान से अब रिस्ट्रिक्शन हैं इतना कुछ आने नहीं देते, तो इससे मैंने अम्मी से बोल के मंगवाया भी नहीं था। तो ये पराठा यहाँ पे रेडी हो जाएगा और इसे हम इंजॉय कर लेंगे चाय के साथ। और फ्राइडेज और सैटरडेज में ये होता है कि आप थोड़ा सा स्पेशल ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, बाकी दिनों में तो भाग गम भाग अफरा तफरी में ऐसे ही कुछ बनता है। मुझे लच्छेदार पराठे बनाने का बहुत शौक है, बट थोड़े से टाइम टेकिंग लगते हैं मुझे, और हमेशा ही मेरे साथ मसला होता है कि वो ख़राब से हो जाते हैं। तो ये जी अब शाम का खाना बनाने लगी थी, मेरी सैटरडे का व्लॉग है, क्योंकि वीकेंड हम बाहर थे और घर पे कुछ राइस वगैरह नहीं बने थे, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बनाती हूँ जो क्विक भी हो जाए। तो यखनी पुलाव की तैयारी करने लगी थी मैं, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन ले ली थी, और चिकन के जो बैक वाला पार्ट होता है ना वो मैं निकाल देती हूँ, और जो नेक होती है गर्दन वो भी, क्योंकि आपको पता है उससे मुझे लगता है कि सब कढ़ाई भर जाती है, उसमें बोन्स होती हैं, मीट इतना उसके ऊपर होता नहीं है। तो वैसे यखनी पुलाव की फूड रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं दी थी। यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस थे,
जिंजर गार्लिक था वो मैंने ऐड कर लिया था, चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए थे, मुझे इस दफ़ा स्पाइसी बनता है। वैसे यखनी पुलाव मेरा मोस्ट फेवरेट है आजकल, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है इस वजह से। तो ये है जी एंड रिजल्ट। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पेंड होती है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह हाफिज़।